गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास वन में ट्रांसलेशन का बुक पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन में फर्स्ट चैप्टर में नाम लिखना है। इसके लिए आप इंग्लिश में क ख ग सब याद कर लीजिएगा, जैसे के से क, के एस से ख, जी से ग, जी एस से घ, एन जी से अंग, सी एस से च, सी डबल एस से छ, जे या जेड से ज, जे एच से झ, वाई एन से इया, टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, एन से अड, टी से त, टी एस से थ, डी से द, डी एस से ध, एन से न, पी से प, पी एस से फ या एफ से फ, बी से ब, बी एस से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी या डब्लू से व, एस एच से तलावेश, एस एच से मुधन्यस, एस से दंतिस, एच से ह, के एस एच से छ या एक्स से छ, टी आर से त्र, जे एन से ग। इन्हें आप अपने कॉपी में लिख कर और इन्हें याद कर लीजिएगा। हिंदी के स्वरों का अंग्रेजी में अनुवाद जरा देखिए। ए से अ, ए या डबल ए से आ, आई या ई से हर्षी, आई या डबल ई से दीर्घी, यू से हर्षु, यू या डबल ओ से दीर्घु, ई से ए, ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू या ओ यू से अ, ए एन से अंग, ए एस से अ, आर आई से री, आर डब्ल्यू से री। आप इन्हें अपने कॉपी में नोट करके तब याद कीजिएगा। इधर देखिए, ककहारा है, इन्हें भी याद कर लीजिएगा। के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की दीर्घी, के यू से हर्षु कर सुकु, के डबल ओ से कदीर्घ कु, के ई से कपड़े के लेके, के ए आई से कपड़ दो लेके, के ओ से को, के ए यू से क, के ए एन से कम, के ए एस से क। वैसे ही इसी पर आधारित है। ख का के एच होता है के एच से ख, के एच और अकार का ए होता है के एच से खा, के एच हर्षी का आई होता है के ई, के एच आई से खी। इसी तरह सब दिया, आप सिर्फ क का याद कर लीजिएगा, आपसे ये सब बन जाएगा। देखते हैं एक्सरसाइज वन में नाम कैसे लिखते हैं। दस, द का डी होता है, अकार का ए होता है, जैसे क का के, अकार का ए, वैसे यहाँ अकार का ए लिखेंगे, दंतिस का एस, दस। और जैसे माला देखिए, म का एम, आकार का ए, ल का एल, आकार का ए, माला। नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखिएगा। नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है नाम। तो आज का आपका वर्क है यही, क का याद करना है इंग्लिश में, क का इंग्लिश में याद करना है और चैप्टर वन बनाना है। बस यही आज का होमवर्क है।